हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। एंड आज हम बात करेंगे कि जिस पानी में राजमा को भिगोया जाता है उस पानी को इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। राजमा एक ऐसी फली है, ऐसी दाल है जो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। एंड अगर राजमा राइस की बात की जाए तो ये हर एक की पहली पसंद होती है। बट गाइज, आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि जिस पानी में राजमा को भिगोया जाता है उस पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर घर पे जिस पानी में हम राजमा को भिगोते हैं उसी पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं एंड कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, ऐसी कई बीमारियाँ होती है बट हम नहीं जान पाते हैं। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊँगी कि हमें राजमा का पानी क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाइस, जब राजमा कच्चे होते हैं तो उनमें पॉइजन होता है एंड जब हम उसको 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं तो उसका जो पॉइजन होता है वो सारा पानी में आ जाता है एंड हमें उस पानी को फेंक देना चाहिए एंड राजमा को ताजे पानी से 2 या 3 बार अच्छे से धो लेना चाहिए एंड उसके बाद ही उसे कुक करना चाहिए। फिर वो जो राजमा होता है वो इस्तेमाल करने के लायक होता है एंड वो हमारे लिए हेल्दी भी होता है और फिर उसके बाद हम उसको जब खाते हैं तो हमें कोई भी बीमारी होने की चिंता नहीं रहती है। तो गाइज़, अब आप जान गए होंगे कि हमें राजमा का पानी क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।